10 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा। और छोटे बच्चे हो या बड़े लोग हो, सबको बहुत पसंद आता भी है। और सर्दियों के सीजन में तो खास तौर पर जूस बनाने चाहिए, क्योंकि बाजार में हर एक तरह का फ्रूट हो गया या वेजिटेबल्स हो गए बहुत फ्रेश मिल भी रहे हैं। तो क्लीन कैरेट जूस बनाने के लिए आप मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा आपको। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिए। तो आइए जूस बनाना शुरू करते हैं। क्लीन कैरेट जूस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम कैरेट लिया हुआ है, इसको मैंने धुल के रखा हुआ है। और यहीं पे ले लेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा। और ये मैंने यहाँ पे कीनू लिया हुआ है, तो 2 कीनू मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। इसके जगह आप ऑरेंज भी ले सकते हैं, दोनों ही चल जाएगा। और इसके साथ ही लेंगे जूस में ये पपीता है, पपाया, आधा कटा हुआ पपाया है। तो ये सबको साथ में पहले हम कट कर लेते हैं, जैसे कि बाकी के और जूसेज में कट करके रखते हैं। जितना सामग्री मैंने ये लिया हुआ है, कम से कम 2 से 3 लोगों के लिए आराम से जूस बन जाएगा। तो अब इसको हम कट कर लेते हैं। जूस के लिए मैंने यहाँ पे सारे फ्रूट्स कट करके रखे हुए हैं। ये कीनू का जो है बीज, इसका ध्यान से निकाल दें अगर आप कीनू इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑरेंज इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि जूस में अगर इसके साथ बीज पिस जाएंगे तो थोड़ी सी कड़वाहट आ जाती है। और मैं यहाँ पे मिक्सर में बनाऊंगी इसको, चाहे तो आप जूसर में बना सकते हैं, फूड प्रोसेसर में बना सकते हैं, जैसे भी ईजी हो। तो अब हम एक जार लेंगे मिक्सी का और उसमें ये डाल देंगे। सारा कुछ मैंने मिक्सर जार में डाल दिया है। अब बाद में छोटा सा जो अदरक का टुकड़ा है ये डाल देंगे और मिक्सर में अच्छे से चला के इसका फाइन सा एक जूस बना लेते हैं। मज़ेदार क्लीन कैरेट जूस बनके तैयार हो गया है। मैंने इसको मिक्सर में बनाया है। कभी मॉर्निंग में होता है ना कि फ्रूट खाने का नहीं मन होता है, डेली रूटीन से थोड़ा सा चेंज, तो आप जूस बना के पिए, बहुत यम्मी लगेगा भी और हेल्दी तो होता ही है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको छान लेंगे। तो मैंने यहाँ पे बड़ा सा छलनी का इस्तेमाल किया है और नीचे कोई भी कंटेनर ले लेंगे। और अगर आप कपड़े में चाहें तो बारीक सा जो कपड़ा आता है उसमें भी छान सकते हैं। इसमें पहले डाल के छान लेते हैं। ऐसे ही किसी भी चम्मच से थोड़ा सा बीच बीच में चला के और हम ऐसे ही पूरा अच्छे से जूस निकाल लेंगे। बहुत ही क्लीन होता है ये। पूरा जूस जो है मैंने इसको छान दिया है, थोड़ा थोड़ा जो पल्प रह गया है तो इसको हम किसी भी गमले में डाल देंगे। जूस जो है बनके तैयार हो गया है, मैंने इसको छान लिया है। तो जो थोड़ी सी जो इसमें थिकनेस होती है, पपाया ही इसको थिकनेस थोड़ा सा इसमें बनाता है। और पपीता से जो थोड़ा सा इसमें स्वीटनेस भी होती है, जैसे हल्का सा लाइट सा मीठा भी लगेगा। तो बहुत ही बढ़िया मज़ेदार सा जूस तैयार हुआ है। अब इसको हम सर्व कर देते हैं। क्लीन कैरेट जूस बनके तैयार हो गया है। मैं यहाँ पे ग्लास में सर्व कर दे रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा बढ़िया सा जूस बना हुआ है। बहुत ही हेल्दी मज़ेदार सा क्लीन कैरेट जूस बनके तैयार हो गया है। मैंने यहाँ पे ग्लास में लगा दिया है। तो आप अपने घर पे जूस जरूर ट्राई करिए और ब्रेकफास्ट में इसको शामिल करिए, बहुत ही फायदेमंद होता भी है। और अगर जूस की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर से नए मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक यू।